फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस एस्ट्रोलॉजी चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे मंगल की पोजीशन सेवेंथ हाउस में। सेवेंथ हाउस में अगर हम मार्स अगर हमारा सेवेंथ हाउस में होगा तो हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं, या आप अगर लाइव शो में आना चाहते हैं आप लाइव शो में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपको मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो प्लीज़ आप astrosolution49@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ से कांटेक्ट कर लूँगा। बट प्लीज़ ये नोट कीजिए कि ये जो आप मेल कर रहे हैं ये चार्जेबल होगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम मंगल की पोजिशन डिस्कस करेंगे सेवन्थ हाउस में, क्या रिजल्ट मंगल देता है ये हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि सबसे पहले मंगल क्या है। तो अगर हम कहें मंगल किसी भी कुंडली में, मंगल की जो दो राशि होती है वो होती है एरीज एंड स्कॉर्पियो, मतलब एक नंबर राशि और आठ नंबर राशि होती है मंगल। मंगल उच्च का हो जाता है हमारे कैप्रिकॉर्न में, नीच का हो जाता है कैंसर में। मंगल अगर हम कहें तो मंगल हमारा दिखाता है एग्रेशन, एनर्जी, मस्कुलर बॉडी, आर्मी, आर्मी भी इसके मतलब आती है, और एक्ट बाय टेकिंग डिसीजंस, और वो भी डिसीजन जो होंगे वो बहुत क्विक होंगे, बहुत जल्दी क्विक डिसीजन होता है। हमारी सेक्स अर्ज, हमारी कामुकता, ये भी इसके अंदर आती है। कोई अगर आप इनिशिएटिव लेते हैं, ये है कॉन्फिडेंस, ये मंगल दिखाता है। आपकी विल पावर को मंगल दिखाता है। जितनी भी पावर से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड चीजें हैं सारी की सारी मंगल दिखाता है। वॉयलेंस, जो आपकी लड़ाई वड़ाई होती है ये मंगल दिखाता है, क्योंकि आर्मी का भी मैंने आपको बताया तो वॉयलेंस होती है, ये भी मंगल दिखाता है। ये जो मंगल इम्पेशेंस, इम्पेशेंस को भी दिखाता है मंगल दिखाता है। अगर आप कह सकें थ्रेट, खतरा, या आप कहें इम्प्रॉपर यूज ऑफ फोर्स, जबरदस्ती किसी से काम कराना, ये सब चीजें मंगल दिखाता है। मंगल अभी आपका दिखाता है कि आपके मंगल, जैसे मैंने बोला आपके भाई का कारक भी मंगल होता है, आपकी मैंने जैसे सेक्स अर्ज तो होता ही है, आपकी सेक्चुअल ड्राइव कैसी होगी ये मंगल डिसाइड करता है। फिजिकल एनर्जी जो मैंने आपको बताया, मस्कुलर बॉडी एनर्जी, ये सब मंगल दिखाता है। आप अगर मतलब वुमेन चार्ट पे, किसी भी महिला की चार्ट में देखेंगे तो मंगल दिखाता है द काइंड ऑफ मैन शी इज एक्सपेक्टिंग, मतलब कैसा उसको मतलब उसके लिए उसको कैसी चाहत है एक ऑपोजिट सेक्स की, मतलब मेल की। तो ये मंगल की प्लेसमेंट से हम देख सकते हैं। ये बात की अभी हमने मंगल की। अगर हम बात करें इसमें कि सेवेंथ हाउस की, तो सेवेंथ हाउस सबसे पहले हमारा होता है ऑपोजिट ऑफ फर्स्ट हाउस। सेवेंथ हाउस इज ऑपोजिट ऑफ फर्स्ट हाउस। तो फर्स्ट हाउस होता है सेल्फ, फर्स्ट हाउस होता है सेल्फ का। तो सेवेंथ हाउस अगर हम देखें तो सेवेंथ हाउस हो गया अंदर पर्सन का। अब हम बात करेंगे सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस दिखाता है मैरिज, एनिमी, क्योंकि फर्स्ट सेल्फ, सेल्फ का ऑपोजिट एनिमी, ओपन रिलेशनशिप। और ये एनिमी जो होंगे ये ओपन एनिमी होंगे, ये हिडन एनिमी नहीं होंगे। मार्स दिखाता है
सॉरी सेवंथ हाउस दिखाता है बिजनेस, ट्रैवलिंग, आपकी लीगल बॉन्ड्स, या भी आपकी जो भी बॉन्ड है किसी के साथ, लीगल बॉन्ड हो चाहे आपके, क्या अगर आप वर्बली कोई बॉन्ड करते हैं, और तो उसकी तो आजकल ज़्यादा मीनिंग है नहीं, बट ये भी आप अगर कहें तो आपका सेवंथ हाउस दिखाता है। और बाकी चीज़ें जो हम देख सकते हैं वो सेवंथ हाउस के जनरली आप मतलब कॉम्बिनेशन से ज़्यादा देख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं मतलब सोशल स्टेटस, अगर आप देखते हैं तो आपका सोशल स्टेटस कैसा है ये आप चेक कर सकते हैं अगर सेवंथ हाउस से। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जब फिर मार्स आएगा तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। और इसके बारे में अगर आप कहें तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इसका रोल होता है लिटिगेशन। तो ये सब चीज़ें मार्स, ये सब चीज़ें सेवंथ हाउस दिखाता है। अब होता क्या है, जब सेवंथ हाउस, जब मार्स हमारे सेवंथ हाउस में आता है, तो जैसे कि मैंने बताया आपको, मार्स अगर सेवंथ हाउस में है तो मार्स यहाँ से फर्स्ट हाउस का एस्पेक्ट करेगा। मार्स अगर सेवंथ हाउस में है, सेवंथ हाउस मार्स ये एस्पेक्ट करेगा फर्स्ट हाउस को, आई मीन सेवंथ सातवीं दृष्टि से ये सेवंथ हाउस, तो ये थोड़ा सा इंसान को वॉयलेंट बना देता है, इम्पेशेंट बना देता है, मतलब जल्दीबाजी करने वाला। एनर्जी उस इंसान के अंदर बहुत होती है, बॉडी उसकी काफ़ी मस्कुलर बॉडी होती है, कॉन्फिडेंस की कहीं से कहीं तक कमी नहीं होती है, ये रहता है, थोड़ा वॉयलेंट बना देता है, इस कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इम्पेशेंट बना देता है, उसका थोड़ा सा स्पीच रफ हो जाती है। इनकी जो फेस पे होता है आप कहेंगे रेडिश टाइप इनका थोड़ा सा फेस लगेगा आपको, जिनका मंगल सेवंथ हाउस में होता है। अब जब मंगल सातवें घर में है, अगर आप, क्योंकि सातवां घर बेसिकली डील करता है मैरिज के साथ, तो आप देखेंगे सातवां घर जनरली डील करता है आपकी मैरिज, राइट। तो मैरिज जब आप इससे देखेंगे तो ये थोड़ा सा मैरिज में डाल देता है एग्रेशन, ईगो क्लैशेस होते हैं। इफ अगर, अब मैं कंडीशन बता रहा हूं आपको, अगर सेवेंथ हाउस का कॉम्बिनेशन बनता है सेकेंड हाउस प्लस इलेवेंथ हाउस, तो यहाँ पे बैठा हुआ मार्स जबरदस्त आपको सेक्सुअल एनर्जी देता है, यहाँ पे बैठा हुआ मंगल आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, लाइफ को आप काफी बेटर बना देता है। ये नुकसान नहीं देगा अगर इसका इलेवेंथ और सेवंथ के साथ संबंध हो गया। अगर इसका संबंध हुआ आपका सेवेंथ का फिर से फिफ्थ के साथ, तो ये आपका कर देगा प्लस, अगर इलेवेंथ भी बीच में आ गया तो ये दे देगा आपको लव मैरिज। तो ये सब चीजें अगर आपको सेवेंथ हाउस में मंगल हुआ तो ये चीजें आपको मिल जाएंगी। सेकंड, अब बात करेंगे, क्योंकि एक मैरिज ही टॉपिक नहीं है जो इसमें कभी, इसमें तो काफी बड़ी बातें की जा सकती है कि आपका जो, अगर चलिए छोटी सी अगर बात करें तो जिनके सेवंथ हाउस में मंगल होता है उनका जो मैरिज पार्टनर होता है थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकता है, उनका थोड़ा मैरिज पार्टनर अगर आप कहें मैरिज एग्रेसिव हो सकता है, थोड़ा ईगोइस्टिक, तो ईगो प्रॉब्लम थोड़ी सी आ सकती है, क्योंकि सिंस एनर्जी इनके अंदर बहुत ज्यादा होगी तो आपको भी सेम एनर्जी मेंटेन करनी होगी। अगर जैसे सपोज कीजिए आपके, अगर मेल के इसमें ये वन, मतलब सपोज कीजिए मार्स सेवंथ हाउस में, तो इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए
इतनी ही सेम एनर्जी फीमेल के हॉरोस्कोप में भी होनी चाहिए। आपने जनरली सुना होगा सेवेंथ हाउस में मंगल मतलब मांगलिक दोष, सप्त मांगलिक कहते हैं ये मांगलिक, आप बता आपने सुना होगा सेवेंथ हाउस मार्स मतलब आपने जनरली सुना होगा मांगलिक होते हैं, लेकिन एक्चुअली वो मांगलिक का रीजन यही है। सपोज अगर मेल के चार्ट में एनर्जी बहुत ज्यादा है तो वो कहीं ना कहीं फीमेल की एनर्जी को खत्म करेगा और उसकी बॉडी को हार्म कर सकता है। इसका सिर्फ लॉजिक इतना है साइंटिफिकली। यहाँ से ये चौथी दृष्टि डालेगा, आपके कामकाज को अच्छा करेगा। अगर इसके अंदर सेवेंथ, इलेवेंथ, फिफ्थ, नाइन्थ प्लस सेकंड, इनमें से कोई भी हाउस इसके साथ जुड़ गया तो ये अच्छा रिजल्ट देगा। और अगर इसके साथ सिक्स, एट, ट्वेल्थ जुड़ गए तो ये एक अलग रिजल्ट देगा। ये आप फिर आपके मैरिज ब्रेक करेगा, ये ईगो को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। ईगो तो थोड़ा बहुत होगा बट अगर ये सिक्स एट ट्वेल्थ के साथ आ गया तो ये ईगो बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। इसके बाद ये लोग थोड़े से वॉयलेंट, ओवर वॉयलेंट हो जाते हैं। अगर सेवन्थ हाउस अगर मार्स है और मार्स 6, 8, 12 दिखा रहा है या 7, 8, 12 दिखा रहा है तो ये लोग वॉयलेंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिस कारण कभी कभी देखा गया है कि ऐसे लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी ये सब मतलब उनका काफी कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी एक्ट ऐसे करते हैं जिस कारण उन्हें प्रॉब्लम्स होती है। तो फ्रेंड्स बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, कुछ और क्वेश्चन है आपका एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। पर्सनल प्रेजेंटेशन चाहिए आपको आप मेल कर सकते हैं astrosolution49@thereteofgmail.com। इसमें हम हेल्प लेंगे न्यूमरोलॉजी की, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की, इन तीन साइंस से मिलकर आपके प्रिडिक्शन करेंगे। तो प्लीज़ आपको बताइए वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ बिल्कुल ना भूलें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें।